स्वागत है आप सभी का टीवी 45 पर 8:45 के साथ ही टाइम हो गया है वेद टाइम का। आज के वेद टाइम की शुरुआत हम एक तस्वीर से करेंगे। अब आपको एक तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जेहन में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिर ये लोग हैं कौन और किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए हम आपको सारी बातों को बारीकी से समझाते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग ईडी पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को कथित रूप से परेशान करने और सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को लेकर आदिवासी संगठन शुक्रवार को रांची में ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतर आया। इस मौके पर ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुषों ने रांची के मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक मार्च किया। प्रदर्शन कर रहे संगठनों के नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि अगर केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां अपने रवैये से बाज नहीं आई तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज होगा। उन्होंने कहा कि आज का प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन जिस तरह लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है उसमें यह आक्रामक रूप ले सकता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कई लोगों ने यह भी कहा कि बंगाल में ईंट पत्थर चला है, अगर जरूरत पड़ी तो झारखंड में तीर धनुष चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ तरह तरह के नारे लिखी हुई तख्तियां ले रखी थी। इन तख्तियों पर आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करना बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ जैसे नारे लिखे थे। इस प्रदर्शन में केंद्रीय सरना समिति के अलावा अखिल भारतीय आदिवासी परिषद, 22 पढ़ा क्षेत्रीय समिति, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा, आदिवासी सेना और हटिया विस्थापित मोर्चा समेत कई संगठन के लोग शामिल हुए। इससे पहले भी बंधु तिर्की और सुप्रियो भट्टाचार्य समेत कई नेता ईडी को परिणाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। साहिबगंज और बरहेट में भी ईडी के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान जब जबरन सड़क जाम की गई और दुकानों को भी बंद करा दिया गया था। रांची में जमीन घोटाले को लेकर ईडी की टीम 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित आवास में पूछताछ करने वाली है। 8 बार समन मिलने के बाद सीएम ने अपना बयान दर्ज कराने पर सहमति जताई है। ईडी ने सीएम से पूछताछ के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर जरूरी इंतजाम करने को कहा। इस पत्र के बाद रांची में एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय में भी पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो सुनवाई होनी है, पूछताछ होनी है हेमंत सोरेन से, और कुछ घंटे बचे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय नवीन के संपादक सुनील सिंह बादल रांची से सीधे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पर। मेरा पहला सवाल कि इस तरह की बातचीत, अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब ईडी के सवालों का सामना हेमंत सोरेन को करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही है, चाहे वह कांग्रेस हो या जेएमएम की तरफ से हो, क्या लगता है ये बहुत संकट वाला दिन होगा? देखिए, राजनीति जब चलती है तो उसमें सर आपकी आवाज इको हो रही है, मुझे लगता है कि शायद वहां पे चैनल चल रहा है, उसे अगर बंद कर दें, म्यूट कर दें तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। नहीं चल रहा है दूसरा जी जी बताएं सर। राजनीति आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी।
कि उसमें दाव पेच फैलाए जाते हैं। और अभी चुनावी वर्ष में कुछ महीनों के बाद में चुनाव होने वाले हैं, तो ये सब दाव पेच तो चलेंगे ही। और रही बात ईडी की, तो अब ईडी सही है या हमारे मुख्यमंत्री जी सही है, इसका फैसला तो अदालत को करना है। लेकिन दोनों तरफ से जो दाव पेच चले जा रहे हैं, इससे इतना तो कहा जा सकता है कि दबाव मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, और इसीलिए उन्होंने जो है बहुत सारी तैयारियां भी कर रखी हैं, जिसकी चर्चा मीडिया में पहले भी हो चुकी है। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में और 2020 के क्रिकेट मैच में कब क्या हो जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आने वाले दिनों में कुछ चौंकाने वाली बातें भी हम देख सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, और हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। जी जी जी, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ठीक है, चलिए इतने 7 बार समन भेजा गया, बार बार ये कोशिश की गई कि ईडी के समक्ष हाजिर हों राज्य के मुखिया, वो हाजिर नहीं हुए और हर बार एक पत्र लिखकर इसको टालते रहे। 8वीं बार समन हुआ, और इसके पहले कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि राज्य में किस तरह राजनीतिक घटनाक्रम बदला था, और किस तरह हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की बातचीत चल रही थी, कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को, इस तरह की बातें उठने लगी थी। एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से और बड़ी बड़े लेवल पर बैठक भी बुलाई गई, जेएमएम विधायक दल की भी बैठक हुई, सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की भी बैठक हुई। उसके बाद अब हुआ कि ये सामना करेंगे ईडी के सवालों का। अब 20 तारीख काफी महत्वपूर्ण दिन, लेकिन उससे पहले बंधु तिर्की जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका भी बयान आया है ईडी को लेकर। और एक बंधु तिर्की के बयान से हालांकि कुछ दलों ने किनारा जरूर किया, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी थी कि किस तरह जनी शिकार के लिए 12 सालों में एक बार आदिवासी निकलता है, अगर आदिवासी का सिर घूम गया, खुद पे आ गए, तो ईडी बीडी क्या, तो इस तरह की बातें, तो ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, हम सभी को याद है जब लालू जी को गिरफ्तार करने की बात हुई थी, तो कुछ इसी तरह की बात हो रही थी कि खून की नदियां बहेंगी और ये होगा वो होगा। ये क्या होता है कि स्वामी भक्ति दिखाने के लिए या दबाव बनाने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन मोटे तौर पर इसको समझा जा सकता है कि ईडी किसी के दबाव में आने वाली नहीं है, जैसा बयान भी उन्होंने दिया है कि उसको अपना काम करना है। और जहां तक इन सब बातों की चर्चा है कि जो दोनों नेताओं की बात आपने कही, ये दोनों चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह की बातें हम करें कि जिससे उकसावे की कार्रवाई हो, और कुछ लोग बयानबाजी करेंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कानून व्यवस्था को संभालने वाले जो लोग हैं वो सर्वोपरि होते हैं, और कोई कितने बड़े पद पर भी हो, अगर यहाँ की स्थानीय पुलिस के काबू के बाहर की बात होगी तो ये लोग पैरामिलिट्री फोर्स या सेना तक को बुला सकते हैं। लेकिन जो ईडी को चाहिए, जो कार्रवाई करनी है, वो तो करके रहेगी जी। और जहां तक राजनीति की बात है, तो ये सारी बातें चुनाव तक चलती रहेंगी। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों की उम्मीदें लगा रखे हैं कि ये होगा वो होगा, हो सकता है कुछ भी नहीं हो, मुख्यमंत्री जी को दबाव में लाने के लिए भी बातें ये सब हो रही हैं, और उनका जो प्रतिरोध कर रहे हैं वो लोग भी जो बातें कह रहे हैं वो दबाव से बचने के लिए कर रहे हैं। दोनों तरफ से वोट बैंक मजबूत करने की भी बात कह सकते हैं कि दोनों अपने अपने एक वोट बैंक तोड़ने की बात कर रहे हैं और एक वोट बैंक को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए राजनीति जो है अभी चरम पर है। लेकिन मेरी तो अपनी राय है कि इन सब मुद्दों से बड़ा मुद्दा यह है कि झारखंड का विकास कौन करेगा, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और रही बात कि ईडी जो है सही है या मुख्यमंत्री, इसका फैसला तो माननीय न्यायालयों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और जो भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाचारों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं।
जी सवाल आपसे और करूंगा सर कि जिस तरह से आदिवासी संगठनों का विरोध शुरू हो गया है साहिबगंज और बरहेट में देखने को मिला, ठीक अगले दिन जब सुप्रियो भट्टाचार्य बयान देते हैं ईडी के बारे में, उसके बाद कि आदिवासी अब सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और आदिवासी मुख्यमंत्री की बेइज्जती झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा, इस तरह की बातें जब सामने आ रही थी, तो अब सवाल ये है और जिस तरह से आज प्रदर्शन किया गया और वहाँ पर जो हालांकि नेताओं ने बड़े जो उसके अध्यक्ष थे अजय तिर्की और तमाम लोग बड़े नपे तुले बयान देते नजर आए, लेकिन कई लोग ऐसे थे उस आंदोलन में जिन्होंने कहा कि आंदोलन हिंसक रूप भी ले सकता है, खुले तौर पर कह रहे थे कि हम एक जगह ईंट पत्थर चला, हम तीर धनुष उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या इस तरह की स्थितियां भी क्रिएट हो सकती है? चूंकि आपको याद होगा कि आदिवासी संगठनों से या आदिवासियों से उलझने की कोशिश में कुछ दिनों पहले जब याद होगा अडानी को लेकर जहां प्लांट लगना था वहां पर तीर धनुष चले थे, वहां बहुत हंगामा भी हुआ था, तो क्या उस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए कई ऐसे मामले पहले भी हुए हैं, जिस तरफ आपने इशारा किया उस तरह का एक मामला मेदांता समूह को लेकर ओडिशा में भी हुआ था जिसमें गोली चली थी, कई लोग मारे भी गए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ भी विरोध हो, कितना भी हिंसक कुछ भी करने का प्रयास हो, लेकिन जो सरकार या तंत्र या खासतौर पर ईडी जिसके पीछे केंद्र सरकार की ताकत है, वो केंद्रीय बलों को तैनात कर वो जो करना चाहती है वो करेगी। अब वो कितना करेगी और इनका विरोध कितना होगा, अगर मान लीजिए हिंसा की कार्रवाई ये लोग करते हैं तो फिर कानून व्यवस्था की बात होगी और मुझे लगता है कि उससे झारखंड जो है उस जाल में फंस जाएगा जिसमें बीजेपी उनको फंसाना चाहती है। अगर अराजक स्थिति उत्पन्न होगी तो उसी आधार पर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और शायद बीजेपी की मंशा ये हो सकती है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में वो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की ओर लगाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और TV 45 पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।